राष्ट्रवादी कांग्रेस गोंदिया विधानसभा की ओर से जिला अध्यक्ष सौरभ रोकड़े के नेतृत्व में स्थानीय अम्बेडकर चौक तहसील कार्यालय के सामने नागपुर में भाजपा युवा मोर्चा ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बैनर लगाकर उनको बदनाम करने के कारण भाजपा युवा मोर्चा व देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ नारेबाजी कर पुतला जलाकर विरोध आंदोलन किया गया। इसी बीच जिला अध्यक्ष सौरभ रोकड़े, विधानसभा अध्यक्ष शेखर चामट, तहसील अध्यक्ष खोमेंद्र कटरे पर मामला दर्ज किया गया। सौरभ रोकड़े ने बताया कि अगर जिस पार्टी का गृह मंत्री तड़ीपार है और उनकी पार्टी हमारी पार्टी के नेता की छवि खराब करने की कोशिश करेगी तो इसी तरह आंदोलन जारी रहेगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा कडून जे नागपुर मध्ये फ्लैग्स बैनर लावले होते त्याच्या विरोधामध्ये आम्ही आज गोंदिया राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीतर्फे इथं निषेध म्हणून आज सर्व पार्टीकडून आम्ही मोर्चा इथं काढला, कारण की ज्याच्या पक्षाचे राष्ट्रीय नेता स्वतः तडीपार आहेत आणि ते दुसऱ्याची जे हे धुमिल करतात आणि ते बॅनर लावून आमच्या पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या त्यांची प्रतिष्ठा धुमिल करण्याचं काम करत आहेत, तर हे कधीही आमच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाकडून कधीही खपून घेणार नाही आणि जर वारंवार असे प्रकारचे करतील तर याच्यावर उत्तर आम्ही अशाच प्रकारे देऊ। धन्यवाद। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष सौरभ रोकड़े, तहसील अध्यक्ष खोमेंद्र कटरे, विधानसभा अध्यक्ष शेखर चामट, शहर अध्यक्ष अक्की अग्रहरी, किसान सेल जिला अध्यक्ष राहुल ढोमने, ओबीसी सेल जिला अध्यक्ष रुपेश मेंढे आदि उपस्थित थे। ये जो अनिल देशमुख साहब के विरोध में और उनकी छवि को धूमिल करने हेतु जो नागपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा जो फ्लैग्स लगाकर उनकी छवि को धूमिल करने का जो प्रयास किया गया उसके विरोध में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरदचंद पवार द्वारा आज विरोध प्रदर्शन किया गया। और आप बताया मतलब आपको बताना चाहते हैं कि जिस पक्ष के खुद के राष्ट्रीय नेता जिसको जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं वो खुद जो तड़ीपार है और ऐसी पार्टी के युवा मोर्चा अगर राष्ट्रवादी के एक अच्छे नेता के ऊपर ऐसी उंगलियां उठाएगा तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कभी भी ये सहन करने वाला नहीं है और हमेशा भाजपा की जो नीतियां हैं उनके खिलाफ उनका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से देगा, ऐसा मेरा आपको कहना है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है, अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां अपने केबल नेटवर्क के SCN चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।